इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है उनको उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए, वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। बट होम मिनिस्टर हैज सेड कि लाउड स्पीकर लगाना इलीगल नहीं है, डेसिबल लेवल कम होना चाहिए। देखिए अगर मैं मेरी अगर पॉलिटिकल रैली लेता हूँ अगर उसमें अगर लाउड स्पीकर लगाना है मुझे भाषण करना है तो पुलिस से परमिशन लगती है ना, तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं जो भी कुछ करते हैं प्रार्थना करते हैं तो इनको परमिशन कौन देता है रोज। अगर हम लोग गणपति का त्योहार होता है नवरात्रि का त्योहार होता है उस वक्त हम लोग हमें परमिशन लेनी पड़ती है लाउड स्पीकर की। अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये, आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को ही भी ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है ना और कुछ आता है, बात है सिर्फ लाउड स्पीकर की और मुझे लगता है लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है बराबर है वो जब उनकी प्रार्थना जब करते हैं तो वहां पे लाउड स्पीकर नहीं लगता तो उनकी वो जो प्रार्थना करते हैं वो क्या अल्लाह तक पहुंचती नहीं क्या? हम भी तो नहीं छोड़ेंगे और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं, हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं जो इलीगल है देश भर में इलीगल है वो निकालें और जो मस्जिदों के जो मौलवी है जो कुछ मुस्लिम है जो है उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है तो वो तो है नहीं। Yesterday in Delhi, procession हो रहा था हनुमान जयंती पे और स्टोन पेंटिंग ले रहा हूँ इस बात की मुझे लगता है शायद उस वक्त आप नहीं थे पढ़ाई करते होंगे तो जिस वक्त मैंने ये बात कही है उस दिन मैंने जो मेरी रैली हुई थी थाना में उसमें मैंने बताया था कि कब कब मैंने ये बातें की है सर।